अस्सलामुअलैकुम बेटे। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटा? ठीक हूँ। मेरी खैरियत नहीं पूछोगे बेटा? तुम हसन से ताल्लुक कता कर रही हो, मुझसे तो ना करो। कहते हैं शादी दो इंसानों की नहीं, दो खानदानों की होती है। तो जब ताल्लुक खत्म होगा, वो भी तो दो खानदानों का होगा ना। ऐसा क्यों बोल रही हो बेटा? मैं बहुत हर्ट हुआ, तो जाहिरी तौर पे लग रहा होगा कि मैं हील हो गई हूँ, लेकिन मैं सोचती हूँ तो लगता है कि मेरे अंदर मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम जिस तकलीफ से गुजर रही हो, मैं भी उसी में हूं। इस दर्द को मुझसे बेहतर और कौन समझेगा भला? मिलने से दर्द कम हो जाएगा? नहीं ना, इंसान के चेहरे पर इतनी कहानियां लिखी होती हैं कि पढ़ने वाले के जहन में बार बार रिवाइंड होकर प्ले होती हैं। तकलीफ ज्यादा होती है, कम नहीं होती। मरीजों का हाल पूछती हो ना, अहवाल जानती हो ना उनका। मेरा हसन इस हाल को कैसे पहुंचा, क्यों पहुंचा, ये नहीं सुनना चाहोगे तुम? मैं बहुत कुछ सुन चुकी हूँ दादू, मुझे और कुछ नहीं सुन। नहीं नहीं बेटा, मैंने आज तक तुम्हें जो कुछ बताया वो ही एक तरफा था, पूरा सच नहीं था। कैसा सच? जिसकी तलखी मैं हमेशा महसूस करती रही। हसन के बचपन से लेकर आज तक, हसन तो अभी भी बेखबर है बेटा, वो कुछ नहीं जानता। लेकिन हाँ, शायद अब यही सही वक्त है कि मैं तुम दोनों को वो सच बता दूं जिसकी वजह से तुम लोगों की जिंदगी में जहर घुट गया। हसन की मां बुरी औरत नहीं थी बेटा, मेरा बेटा था। कमाकल इंसान, तुम जाहिल हो। तुम जैसे जाहिल आदमी ने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रखी हुई है। तुमने कहा था तुम बाज आ जाओगे, तुम बाज दिया है। बस कर दो, बस कर दो, मेरी ना मुझे तुम्हारे साथ, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो। उसका गुस्सा उन दोनों के रिश्ते को खा गया और बीच में पिस कौन रहा था, मेरा हसन। ये ड्रामेबाजी मेरे सामने नहीं चलने वाली तुम्हारी। मैं कह रहा हूं उठो, जलील करा के खुश हो गई? क्या कर रहे हो तुम? दादा दादा अम्मी फिर बाबा को डांट रही है। सबकी बीवियां आई हुई थी, सिर्फ एक तू नहीं थी। तू, तुमने मुझे इस लायक छोड़ा है कि मैं बाहर अपनी शक्ल दिखा सकूं? एक रात उसने नाजिया को बहुत मारा, कमरे में लॉक कर दिया,
उसने खुदकुशी की कोशिश की तो मैंने कमरे का लॉक तोड़कर उसकी जान बचाई, उसे हॉस्पिटल ले गई और फिर मैंने नासिया को कह दिया कि वो छोड़ जाए मेरे बेटे को। उस दिन के बाद से मैंने वो कमरा लॉक कर दिया। मेरे बेटे ने मुझे अपने सर की कसम देकर बांध दिया कि मैं सच्चाई हसन को कभी भी ना बताऊं। नाजिया ने तो बहुत कोशिश की मिलने की, लेकिन मेरे बेटे के पैसे और तल्लुकात के आगे हार गई। मैंने हसन को मां का प्यार देने की पूरी कोशिश की, लेकिन मैं नाकाम रही। हसन उस खौफ से कभी बाहर नहीं निकल सका। तुम जाहिल हो, तुम जैसे जाहिल आदमी ने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रखी हुई है। कहा था तुम बाज आ जाओगे, तुम बाज दिया है, नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ। वो जज्बाती है, पर तुम जानती हो ना, इसका ताल्लुक मासूमियत से होता है। He is innocent, बेटा। He is innocent। वक्त अपने आप को दोहरा रहा है। और फिर इसमें सबसे बड़ा नुकसान किसका होगा? मेरे बच्चे का। आप हमेशा सबसे झूठ बोलती रही। मसला है तामीर। अब मुझसे क्या चाहती हैं? ये तो नहीं कहूंगी कि तुम लौट आओ बेटा, मगर ये जरूर कहूंगी उसके खिलाफ अपनी शिकायत वापस ले लो, वो अभी तक थाने में बंद है। मैं एक बात कहूं? कहो कहो। आप हसन को सच बताएं, उसे उसकी मां से मिलवाएं और प्लीज उसका इलाज करवाएं। ठीक है बेटा, मैं वादा करती हूं, मैं वादा करती हूं ऐसा ही होगा, ऐसा ही करूंगी मैं।